अचल प्राण प्रतिष्ठा से कई दिन पहले राम भक्तों ने अयोध्या में डेरा डाला था। देश से अलग अलग इलाकों से जो भक्त आए थे वो पहले अयोध्या पहुंचकर रुके हुए थे। दूर दूर से आए लोग आश्रमों, मंदिरों, होटल, लॉज और धर्मशालाओं में ठहरे हुए थे। सैकड़ों लोगों ने अयोध्या से सटे जिले में भी ठहरने का इंतजाम किया था और यही वजह कि कल जैसे ही आम लोगों के लिए मंदिर के कपाट खोले गए, भक्तों का यह सैलाब उमड़ पड़ा और एक साथ करीब 5 लाख भक्तों ने कल रामलला के दर्शन किए, जो एक रिकॉर्ड की तरह देखा जा सकता है। भक्तों की इतनी भीड़ उमड़ी थी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया था और इंतजाम इतने बढ़िया हैं कि दर्शन बेहद आसानी से अब चल रहे हैं, क्योंकि अभी भी लाखों की तादाद में ही भक्त आ रहे हैं। अयोध्या में कैसे शानदार इंतजाम है और भक्त कैसे लाइन लगाकर आराम से अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं दर्शन के लिए, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह। राम मंदिर के हम मुख्य द्वार पर मौजूद हैं और मुख्य द्वार पर अगर आप देखेंगे तो भक्तों का जो सैलाब है वो यहाँ पर आ रहा है। हाथों में उनके शंख है और जो शंख ध्वनि है वो ये बताती है कि कितने ज्यादा उल्लास में आए हैं, कितनी ज्यादा उमंग में आए हैं राम लला के दर्शन करने श्रद्धालु और भक्त। ये विजुअल्स जो एक पोशाक में उन्होंने पहन रखे हैं ये बताता है कि कैसे ये जबरदस्त विजुअल नजर आ रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर के लिए जो भक्त दर्शन करने जा रहे हैं। देखिए तमाम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मैम कहाँ से आए हैं आप लोग? पुणे से, महाराष्ट्र। सब लोग आए हैं एक ही पोशाक में? 111 लोग हैं हम। देखिए एक ही पोशाक में सब लोग आए हैं और कितना जबरदस्त उत्साह है। देखिए यहाँ पर ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं और जिस तरीके के विजुअल्स हैं जो यहाँ पर भक्तों का सैलाब है वो बताता है कि कितना ज्यादा जोश में है। सभी जो दर्शक हैं, सभी जो श्रद्धालु हैं, सभी जो भक्त हैं वो पुणे से आए हुए हैं। शंख ध्वनि हो रही है, हाथों में उनके ढोल है, नगाड़ा है, मजीरा है और ऐसे विजुअल्स बताते हैं कि किस तरीके से अयोध्या में फिलहाल जो जनमानस पहुंच रहा है दर्शन करने के लिए भक्तों का, वो अपने आप में बेहतरीन है और शानदार है। देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हाथों में तिरंगा लेकर के पहुंचे हुए हैं और उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर वो कहां से आए हैं। जो जन सैलाब है वो अंदर जा रहा है। कहां से आए हैं आप? मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूं। ऑस्ट्रेलिया से आप आए हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है यहां पहुंच करके? यहां पे बहुत चेंज हो गया है, मैं इसलिए यहां पे आया था, 3 दिन के लिए आया हूं। ये नया भारत हो गया है, ये इसके लिए मेरे को एक बहुत अंदर से कॉल आया था कि आई वांट टू कम हियर एंड बी पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिक मोमेंट। आपने तिरंगा चश्मा लगा रखा है, तिरंगा हाथ में ले रखा है, मन कितना भावुक है अयोध्या धाम में पहुंच के? बहुत भावुक है क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज हुई है और ये मेरे लाइफ टाइम में मुझे ये मौका मिल पा रहा है। आई एम रियली इंटरप्रेटेड। यहाँ पे आने से ये जो भक्ति का माहौल है ये हमें और कहाँ दिखेगा। लला के दर्शन आपने किए? जी हमने किए दर्शन, कल 2 बार किए। आज कैसी व्यवस्था देख रहे हैं? आज क्या बहुत बेहतर व्यवस्था आपको दिख रही है? बहुत अभी स्ट्रीमलाइन हो गया है, कल बहुत ज्यादा क्राउड आ गया था लेकिन अभी क्राउड यहाँ पे मैनेज कर पा रहे हैं, अच्छे से व्यवस्था हो पा रही है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ 3 बार चौपर से इसका विश्लेषण देख रहे थे ऊपर से, तो काफी उन्होंने भी मेजर्स लिए होंगे इसको ठीक करने के लिए। तो देखिए जो दर्शक लोग श्रद्धालु भक्त आए हुए हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से, उनका भी कहना है कि जिस तरीके से व्यवस्था कल थी उसमें बड़ा बदलाव हुआ है और यही वजह है कि आज ट्रैफिक, क्राउड और श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो व्यवस्थित है, वो नियंत्रित है और इसी वजह से आज भक्तों को जो दर्शन हो रहे हैं प्रभु श्री राम के, रामलला के, वो सुगम हो रहे हैं, आसानी से हो रहे हैं, बगैर किसी दिक्कत के हो रहे हैं और यही निर्देश दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सीनियर अधिकारियों को।